नमस्कार, मैं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। समय हो चला है कुछ खास खबरों का। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन मुख्यालय के किला मैदान पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्ट्रेट डॉक्टर पंकज जैन उपस्थित थे। बुधवार सुबह करीब 9 बजे आगमन के 10 मिनट बाद ही ध्वजारोहण व राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। इसके बाद अतिथि डॉक्टर जैन ने परेड का निरीक्षण तथा 20 मिनट तक प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। दरअसल जिले में इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह सादगी के साथ मनाया जा रहा है। स्कूली बच्चों को इस आयोजन से दूर रखा गया है क्योंकि जिले में संक्रमण का खतरा काफी बढ़ा हुआ है। वर्तमान में ही 1300 से अधिक कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। ऐसे में बच्चों को छोड़कर अधिकारी व कर्मचारी मास्क का उपयोग करते हुए ही आयोजन में शामिल हुए। इसके 25 मिनट बाद परेड की सलामी मंच के समीप हुई व परेड कमांडरों से अतिथि डॉक्टर जैन ने परिचय भी प्राप्त किया, जिसके बाद विभिन्न शासकीय विभागों की योजनाओं पर आधारित झांकियों का प्रदर्शन किया गया। अंत में कर्मचारियों को पुरस्कार का वितरण हुआ। करीब 11 बजे आयोजन का समापन हुआ। कार्यक्रम में एडिशनल SP देवेंद्र पाटीदार व विधायक नीना वर्मा भी उपस्थित थी। इसके पूर्व कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट भवन, उदय रंजन व निवास पर भी झंडा वंदन किया। ऑडिटोरियम में भारत पर्व। प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस की शाम को आयोजित होने वाले भारत पर्व PG कॉलेज के ऑडिटोरियम में होगा। शाम 6 बजे शुरू होने वाले आयोजन में मुख्य अतिथि प्रदेश के उद्योग मंत्री व विधायक राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, सांसद छत्तर सिंह दरबार सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए रोहित श्रीवास धार से खास रिपोर्ट। आज के दिन सबसे पहले तो मैं भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर सभी जिलेवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इसके साथ ही हमको एक बहुत सुखद जो परिणाम हमारे पूरे स्वास्थ्य विभाग के अमले, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग, सभी जिलेवासियों के सहयोग से और सभी विभागों के सहयोग से जो परिणाम मिला है कि 15 से 17 वर्ष के टीकाकरण में धार जिले में जो हमने किशोर और किशोरियों का टीकाकरण है वो 100% लक्ष्य को कम्प्लीट किया है और धार इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला जिला बना है। तो इस सब के लिए आप सभी का, जिलेवासियों का, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, सभी शासकीय कर्मचारी अधिकारियों का और समस्त मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत आभार।